आज हम न्यूमेरिकल करेंगे इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर का। इसके पहले जितना भी न्यूमेरिकल किए थे हम लोग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का किए थे। इन्वर्टेड में क्या रहता है, यूट्यूब मैनोमीटर जो लगा रहता है ये क्या रहता है, ऊपर में रहता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट पाइप्स टू विच एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर हैविंग एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज़ कनेक्टेड। ये दो पाइप दिया हुआ है, पाइप ए और पाइप बी। इससे इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.8। इसमें ऑयल है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। दी प्रेशर हेड इन दी पाइप ए इज 2 मीटर ऑफ वाटर। अब प्रेशर हेड दिया हुआ है मतलब एच का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एच ए डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर ऑफ वाटर। फाइंड दी प्रेशर इन दी पाइप बी फॉर दी मैनोमीटर रीडिंग। यहाँ पे का प्रेशर हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम हो गया। अगर डायग्राम नहीं दिया है तो हमको रिमेम्बर रखना है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायग्राम कैसे बनता है। अब हमको यहाँ पे H1, H2, H सबका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे H1 का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, H2 है 10 सेंटीमीटर और डिफरेंशियल है H=12 सेंटीमीटर। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। एच ए डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। एच बी डब्ल्यू का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे हम एक नया मेथड पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक डॉटम ने लेते हैं एक्स। हम क्या करेंगे, ये राइट लिम्ब है और ये लेफ्ट लिम्ब है। तो राइट लिम्ब में डॉटम लाइन के नीचे कितना प्रेशर है और लेफ्ट लिम्ब में डॉटम लाइन के नीचे कितना प्रेशर है, दोनों को निकालेंगे। दोनों को यहाँ पे का प्रेशर निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या दिया है। प्रेशर हेड 8A दिया हुआ है, एच ए डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर ऑफ वाटर। पी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो जी एच ए डब्ल्यू, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वाटर है यहाँ पे, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 9.81 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। तो इसको सॉल्व करते तो निकलता है 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया पी ए का वैल्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं XX इज डॉटम लाइन। अब लेफ्ट लिम्ब के लिए प्रेशर निकालते हैं, तो हो जाएगा प्रेशर बिलो XX डॉटम लाइन हो गया इन द लेफ्ट लिम्ब। लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए, और ये ऊपर बढ़ रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, नीचे जाता है तो प्लस होता है, ऊपर जाता है तो माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस रो 1 GH1। इसका वैल्यू निकालते हैं, पी ए का वैल्यू पता है हम अभी निकाले, 19620 माइनस रो 1 कितना हो जाएगा, ये भी क्या है हमारे पास, वाटर ही है। यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है, वाटर है। तो हो जाएगा 1000 9.81 इंटू H1 का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 16677 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, लेफ्ट लिम्ब के लिए हो गया। ऐसे ही हमको किसके लिए निकालना है, राइट लिम्ब के लिए निकालना है। तो राइट लिम्ब के लिए भी निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है ये भी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं राइट लिम्ब के लिए, प्रेशर बिलो XX इन, ये हो जाएगा राइट लिम्ब के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगा राइट लिम्ब के लिए, इक्वेशन बनेगा राइट लिम्ब में क्या है हमारा, पी बी है। तो ये हो जाएगा पी बी, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी माइनस, ये यहाँ पे का वाटर है, H2 तक वाटर है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर है। तो ये हो जाएगा रो 1 G H2 हाइट तक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस
रो ऑयल है यहाँ पे, ये ऑयल है, सॉरी हाँ ऑयल है यहाँ पे, ऑयल ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच। हमको डॉटम लाइन के नीचे निकालना है ना। तो ये हमारा एक्स एक्स क्या है, डॉटम लाइन में, तो हमारे प्रेशर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी बी माइनस रोमन का वैल्यू है 1000, जी का वैल्यू है 9.81, एच टू का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, माइनस ऑयल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया हुआ, मतलब इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 1000 हो गया इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना दिया यहाँ पे का 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है पी बी माइनस 981 माइनस 941.76। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा पी बी माइनस 1922.76। ये सब कैलसी से निकालना है हमको। अब मैंने क्या बताया था, राइट लिम्ब के लिए प्रेशर यहाँ पे निकालना है, लेफ्ट लिम्ब के लिए प्रेशर यहाँ पे निकालना है, दोनों का प्रेशर क्या करना है, फिर इक्वेट करना है। तो इक्वेटिंग दी टू प्रेशर, दोनों प्रेशर को इक्वेट करते हैं तो हम कहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, डॉटम लाइन पे, तो हमको पता मिलता है 16677 इक्वल टू पी बी माइनस 1922.76। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको पी बी का वैल्यू निकलता है 18599.76 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही हमको निकालना था। ये एक दूसरा मेथड था जो डॉटम लाइन पे हम के नीचे राइट लिम्ब में लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर निकालेंगे और उसको इक्वेट करेंगे। और अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन किया था उसके लिए हमने गेज इक्वेशन बनाया था। मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।